गाइस हेलो एंड वेलकम टू क्रिकेट कार्निवल। तो भैया, किसी भी टूर्नामेंट में कामयाब होने के लिए दो चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है, एग्रेसिव सोच और अच्छा कोच। अब एग्रेसिव सोच तो हमारी पिछला वर्ल्ड कप हारने के बाद में हो ही गई थी, और द्रविड़ सर से अच्छा कोच इंडिया के पास कोई था नहीं, इसीलिए हम वर्ल्ड कप जीत गए। अब उन्हीं अच्छे कोच को ट्रिब्यूट दिया है बीसीसीआई ने। एक वीडियो ट्वीट किया है राहुल द्रविड़ का, जिसमें राहुल द्रविड़ कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि मैं शुक्रगुजार हूँ रोहित शर्मा का, क्योंकि मेरा 2023 वर्ल्ड कप के हार्ट ब्रेक के बाद कोच करने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन रोहित ने मुझे एक फ़ोन किया नवंबर में और उन्होंने कहा कि आप एक वर्ल्ड कप के लिए और रुकिए, और मैं रुका और देख लीजिए कितना शानदार रिजल्ट आया है। उसके बाद में उन्होंने कहा, जब उनसे पूछा गया कि क्या ये आपका रिडेम्पशन था, बिकॉज आप सभी को पता ही होगा कि 2007 में राहुल द्रविड़ की ही कप्तानी थी, या कप्तानी छोड़ दीजिए, कहे दिनेश कार्तिक स्टाइल की कीपिंग थी, जिसकी वजह से टीम इंडिया बांग्लादेश से मैच हार कर वर्ल्ड कप के पहले ही राउंड से बाहर हो गई थी। और अब वो ऐसा कोच 2007 में वेस्ट इंडीज की धरती पर टाइटल जीतने में कामयाब हुए। तो उन्होंने कहा, देखो मैं वैसा हूँ नहीं जो रिडेम्पशन के बारे में ज़्यादा बिलीव करता हो, इसलिए मुझे लिए चीज़ें ज़्यादा मैटर नहीं करती, मेरे लिए मैटर ये करता है कि हमने अच्छा क्रिकेट खेला और हम जीत गए। उन्होंने आगे विराट और रोहित की तारीफ़ में कहा कि वो दोनों बहुत ही बड़े लेजेंड्स हैं, और अच्छा डिसीजन था कि वो दोनों भी रुके इस वर्ल्ड कप के लिए, और मुझे पता था कि ऑन द कार्स है कि इस टूर्नामेंट के बाद उन्हें रिटायर होना ही है। आप सभी को पता ही होगा कि जब टीम इंडिया जीती तो उसके सेलिब्रेशन में राहुल द्रविड़ को कंधे पर उठाया था प्लेयर्स ने, और उन्हें उठाने में सबसे आगे थे रोहित शर्मा एंड विराट कोहली। तो इसी बॉन्ड पर राहुल द्रविड़ ने कहा कि ये देखिए, किसी भी कोच का उनके ने सीनियर प्लेयर्स के साथ बॉन्ड होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आफ्टर ऑल आपको उन्हीं प्लेयर्स को मैनेज करके चलना है, क्योंकि जो यंगस्टर्स होते हैं वो दे आर बाउंड टू लिसन यू, लेकिन आपको सीनियर्स के साथ चलना, सीनियर्स को साथ लेके चलना पड़ता है, और ये उनकी सबसे बड़ी स्किल्स भी दिखी। अब उन्होंने जाते जाते यही कहा उसमें कि मैंने विराट को कहा है कि 3 वाइड्स डन 1 रेड टू गो, इसका मतलब है कि 3 वाइड बॉल की ट्रॉफियां, यानी कि 2011 का वर्ल्ड कप, 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी और 2024 का T20 वर्ल्ड कप विराट कोहली जीत चुके हैं। अब बस एक रेड कलर की ट्रॉफी, यानी कि रेड बॉल का एकमात्र टूर्नामेंट WTC का फाइनल जीतना बाकी है, और विराट को वही जीतने की सलाह देते हुए राहुल द्रविड़ ने वीडियो खत्म किया। अब आपको अगर ये वीडियो देखना है तो इसका ऑफिशियल लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी इसी तरह की क्रिकेट से जुड़ी खबरें पाने के लिए आप कीजिए हमारे क्रिकेट कार्निवल चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को कीजिए लाइक, अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो ज़रूर कीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन ज़रूर दबाएं यूट्यूब पर, ताकि आप हमारी कोई अपडेट मिस ना कर पाएं। धन्यवाद।